मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है, क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइज, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज होती है और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, लेकिन आजकल जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उससे जल्दी तो तलाक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी ऊब जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, यानी कि जन्म जन्म का साथ चंद घंटों में ही खत्म हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जिसे इंग्लैंड की 15 साल की लड़की डेमी बर्नेस ने एक बहुत अलग तरीके से उजागर करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या किया, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस। आइडिया थोड़ा वियर्ड है, लेकिन इस सोशल प्रॉब्लम को उजागर करने का यह बहुत अच्छा तरीका है और सोशली इसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, ताकि लोग इस चीज को समझें कि शादियां सिर्फ तलाक करने के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए की जाती हैं। गाइस, आपको डेमी की यह पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में।